आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो पार्टी में तीन मूर्ति सबसे ज्यादा चर्चा में रहती थी, यानी अटल, आडवाणी और जोशी। जोशी जी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। जोशी जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं तो सीधे पहले आता हूं, 2 साल सरकार के पूरे हो गए, क्या सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? आप पार्टी इतने सालों से केंद्र में मंत्री रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, ऐसा है कि जब ये सरकार आई तो इसको एक ऐसी स्थिति मिली जो बहुत ही दयनीय थी देश की। पिछली सरकार के यहां जो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल अपने न्यूनतम स्तर पर थी, बैंकों में एनपीए की तादाद बहुत बड़ी हुई थी, तो एक बहुत लचर ढीली अर्थव्यवस्था, एक तरह से मरणासन्न अर्थव्यवस्था इस सरकार को मिली थी। तो ये 2 साल तो उन तमाम चीजों को ठीक करने में लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करो, अर्थव्यवस्था को भी ठीक करो, प्रशासन को भी ठीक करो, और नए रास्ते से प्रशासन कैसे किया जाए उसके बुनियाद डालो। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे आप कोई भवन बनाते हैं तो पहले उसकी आप बुनियाद रखते हैं, और बुनियाद अगर पक्की होगी तो भवन बहुत दिनों तक चलेगा। तो आपका मानना है कि बुनियाद पक्की हो गई 2 सालों में? 2 सालों में जितनी हो सकती थी उतनी हो गई, अगर कोई कमी रहेगी तो वो भी आगे की जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है कि सरकार आगे तेजी से काम कर सकती है। अब 3 साल का मौका है जिसमें भवन की पूरी रचना, कैसी बिल्डिंग बनेगी वो लोगों के सामने आएगा, शुरुआत उसकी हो गई है। प्रमुख चीजें आप क्या मानते हैं? क्या विदेश नीति, विपक्ष हमेशा कहता है कि गलत विदेश नीति है, स्टार्टअप की बात मोदी जी करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो इन सब का कुछ असर नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक विदेश नीति के कुछ बिंदु हैं, लुक ऑफ ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा क्षेत्र जैसे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, ये हर तरह से बहुत एक दूसरे के निकट है, भौगोलिक दृष्टि से भी है, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, और अगर ये सब मिलकर काम करें तो ये लगभग 4 बिलियन की इकोनॉमी होती है, तो ये छोटी इकोनॉमी नहीं है, तो उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं और सब देशों का विकास कर सकते हैं। पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, इनसे बहुत अच्छे संबंध हुए हैं, और ये जो चाबहार का अभी बंदरगाह बनाए जाने का तय हुआ है, ये तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, उद्योग की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। सुरक्षा में तो यह है कि पाकिस्तान और चीन की जो मिलीभगत थी उसका कोई भी षड्यंत्र अरब सागर में सफल नहीं हो सकता। पर कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के लिए जो हमारी पॉलिसी है वहां पे हम कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं, अगर साफ तौर पर कहा जाए, या कुछ उस तरह की स्थिति हो जाती है कि मोदी जी वहां गए, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, चाय पीने गए, पर वो अपने उसी रुख पे कायम रहता है, आतंकवादी आते हैं। पाकिस्तान अकेला नहीं कर रहा है कुछ, उसके पीछे चीन भी खड़ा है, तो ये एक अब एक दो ताकतें मिलकर ये परेशानियां पैदा कर रही है मेरी राय में, क्योंकि ये अगर भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़े, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाए, तो हमेशा चीन के लिए तो एक अच्छी बात नहीं होगी ना, उसके हितों का तो संरक्षण नहीं होगा इसमें, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध बिगड़े रहे। अच्छा, अब ये तो है नहीं कि पड़ोसी हम कहीं भेज सकते हैं, पड़ोसी तो पड़ोस में रहेगा, तो इसलिए ये विचार करता रहना पड़ता है कि कब कितने नरम हो, कितने गर्म हो, कितने न गर्म न नरम ऐसे हो, ये करना पड़ता है। लेकिन नीति की दृष्टि से, जो नीति का कोर है, जो नीति का बुनियाद है, वो ये है कि हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे, और पाकिस्तान की आतंकवादी गतियों के रहते हुए कोई सार्थक बात नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान को ये हर तरह से बताना और समझाना है कि तुम्हारी नीतियां हमारे को जितना नुकसान करती हैं उससे ज्यादा तुम्हें नुकसान कर रही है। पर ये चीज उनकी समझ नहीं आती ना। जोशी जी, आप वाजपेयी जी के कैबिनेट में लंबे अंतराल तक मंत्री रहे, अब आप इस सरकार को भी देख रहे हैं, आपकी पार्टी की सरकार, नीतियां आपने तारीफ की, पर क्या फर्क पाते हैं दोनों में? देखिए, वाजपेयी जी की सरकार एक अलग परिस्थिति में बनी थी, उनको तो 20-22 सहयोगियों को लेकर सरकार चला रही थी,
यहाँ एक अंतर यह है कि हमारे पास इतनी संख्या में सहयोगी नहीं है, दो तीन सहयोगी हैं जो पुराने हैं, जैसे शिवसेना है या अकाली दल है, ये हमारे बहुत पुराने सहयोगी चल रहे हैं। तो एक लाभ इस पार्टी की सरकार को ये है कि इसे विभिन्न दलों के साथ जो हर चीज में नरम गरम होना पड़ता था वो नहीं होना पड़ता। मतलब आपको कहने का मतलब उस वक्त समझौते करने पड़ते थे वाजपेयी जी को, करने पड़े थे जैसे कई मामलों में हुआ, लेकिन उसकी स्थिति यानी इसलिए ये सरकार ज्यादा कठोर फैसले भी ले सकती है और लेती भी रही है। ये प्रधानमंत्री उम्र में कम है, जवान है, तो ये डायनेमिक भी गाता है। वाजपेयी जी की समझदारी ज्यादा थी और इनकी डायनेमिज्म ज्यादा है। तो ये है कि अगर वाजपेयी जी में इतना डायनेमिज्म होता और इनमें वो समझदारी आ जाए तो फिर कहने क्या हो। तो ये राय दे रहे हैं आप? मैं राय ये दे रहा हूँ कि वाजपेयी जी की जो समझदारी थी वो सबने उसकी तारीफ की, उसको सीखने काबिल चीज है वो, तो अक्रॉस द पार्टी उनको तो वो स्थिति लानी चाहिए। प्रधानमंत्री में जितना उत्साह है, जितना वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वाजपेयी जी वाली समझ, वाजपेयी जी वाली जो एक चीज थी कि भाई हर दिल अजीज, वो होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है आने वाले दो तीन साल में उस तरह भी प्रधानमंत्री बढ़ेंगे और उस तरह की चीज पैदा करेंगे, क्योंकि तो देश को जरूरत है उस चीज की। कई चीजें सरकार ने घोषणाएं की, आते ही मेक इन इंडिया हो, मुद्रा बैंक, ये सारी चीजों का पर अभी असर उतना दिख नहीं रहा। विपक्ष का भी ये कहना है, तमाम चीजें हैं, और साथ ही जो है नमामि गंगे की जो बात थी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया, पर आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें ठीक दिशा में जा रही हैं या आप लोगों के टाइम में जो देखिए जहां तक ज्यादा बेहतर थी? जहां तक मुद्रा बैंक और ये छोटे और लघु उद्योगों के लिए जो काम किए गए हैं वो तो मेरी दिशा दृष्टि से बहुत सही है। उसकी जरूरत उस देश को बहुत पहले थी, ये होनी चाहिए थी, लेकिन अब हुई है, कदम ठीक उठ रहे हैं। अब इसमें संतोष और समाधान मेरा नहीं, जनता को होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। नमामि गंगे की बात बहुत हुई, तमाम कहा गया कि गंगा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अगर आप ही के संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, कानपुर की, आपको लगता है क्या ये उत्तर सफल होगा? कानपुर में तो गंगा सबसे अधिक मैली है, हाँ, उसके कारण भी है, लेकिन नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है सच, वो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें पांच तो राज्य हैं जो शामिल हैं सीधे गंगा में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, ये तो पांच सीधे ही शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा जो जमुना के माध्यम से आता है, फिर जमुना में चंबल मिलती है तो मध्य प्रदेश का आता है, फिर एक केन नदी है वो भी मध्य प्रदेश से आती है, वो भी गंगा में मिलती है, आगे चल के सोन नदी भी गंगा में मिलती है, फिर नेपाल से आने वाली नदी करनाली वगैरह वो भी सब गंगा में आती है, भूटान से नदी आती है, फिर आसाम से नदी आती है ब्रह्मपुत्र, वो भी आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की सफाई का मतलब केवल गंगा की धारा की सफाई का मतलब नहीं, पूरे गंगा बेसिन की सफाई का मतलब है। ये काम तो शुरू हुआ था राजीव गांधी के जमाने से, लेकिन वो गंगा के प्रोजेक्ट्स आते गए लेकिन उसमें गंभीरता नहीं थी। अब पहली बार सरकार ने गंगा के रिजुविनेशन के लिए, गंगा के पुनर्जीवन के लिए एक मंत्रालय भी बनाया और उसको काफी इस दृष्टि से साधन संपन्न भी किया है, काफी धन भी उसके पास। लेकिन जैसा मैंने कहा इसमें कई मंत्रालय शामिल हैं, जैसे इसमें कुछ लोग खेती के लिए पानी निकाल रहे हैं गंगा से तो कृषि मंत्रालय आ गया, उसी की तरफ से ये जो फर्टिलाइजर है रासायनिक वो उसका पानी आ रहा है गंगा में खेतों से बहकर के आ रहा है, फिर इसमें आप जो ऊर्जा लेना चाहते हैं तो पावर मिनिस्ट्री आ जाती है, फिर इसमें शहरों से जो मैला जाता है तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आ जाती है, फिर इसका पर्यावरण तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट आ जाती है, और अगर पानी की क्वालिटी ठीक न हो, पेयजल का जो निर्धारित मापदंड है वो न हो, तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी आ जाती है। तो मतलब बहुत से मंत्रालयों का आपसी वो है, तो कोऑर्डिनेशन ठीक लग रहा है आपको? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये काम तो बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है,
मेरी राय ये रही है इसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक एपेक्स बॉडी बने जो पार्लियामेंट के कानून से बने और उसमें विभिन्न राज्यों के मंत्री और यहां के जितने भी ये मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हैं वो एक्सपर्ट्स ये सब हों और एक जगह से फैसला हो, अलग अलग मंत्रालयों में फाइलें न घूमती रहें, तब तो ये काम जल्दी हो सके। तो आप राय क्यों नहीं देते? हमारी जो कमेटी थी इसमें उसने राय दी हुई है। आसाम में जीत हुई, आपने पत्र लिखा व्यक्तिगत तौर पे और तारीफ की आपने, आसाम की जीत को आप कितना बड़ा मानते हैं? देखिए बहुत बड़ी जीत है और इसका सबसे बड़ा जो परिणाम है वो ये है कि इस जीत में सांप्रदायिक भेदभाव भूल करके वोट मिला है। जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुमत में थी जो अकेले जिता सकती थी 50% से अधिक थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो लोगों को ये समझ में आया कि एक ऐसी पार्टी आ रही है जिस पर भरोसा लाया जा सकता है और ये भरोसा प्रदेश के कार्यकर्ताओं और केंद्र के नेताओं खासतौर पर प्रधानमंत्री उनके वक्तव्यों से और उनकी नीतियों से ही आया है। तो ये एक बार भरी इसका परिणाम वहां हुआ है। दूसरी तरफ केरल में भी पहली बार हमारा खाता खुला है, एक तमिलनाडु को छोड़ दीजिए तो बाकी हम सब राज्यों में हमारा प्रभाव है और कन्याकुमारी से हमारा सांसद है, वहां से लेकर कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी है, सरकारों में है, तो एक राष्ट्रीय व्याप भारतीय जनता पार्टी का बन गया। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है पर कहीं ना कहीं आप लोग समझौते करते नजर नहीं आ रहे हैं, आर्टिकल 370 पे कोई बात आप नहीं करते हैं, वहां सरकार में शामिल हैं। विपक्ष ऐसा कहता है कि बातें आप कुछ और करते थे, नीतियां कुछ और थी और सरकार में शामिल रहने के लिए उस सारे मुद्दों पर आप चुप्पी लगाए बैठे हैं। नहीं देखिए, चुप्पी लगाना इसका अर्थ ये नहीं है कि उन मुद्दों को हमने छोड़ दिया है। बड़ी बात यह है कि पहले एक बड़े काम के लिए वातावरण तो तैयार किया जाए। जब तक जम्मू कश्मीर की जनता को और विशेष करके कश्मीर घाटी की जनता को ये विश्वास और जिसको कहने से भरोसा इस बात का ना हो कि भाई ये 370 हटाने वाले लोग ये हमारे हितैषी हैं। हमारा ये प्रयोग हुआ है इस समय जम्मू कश्मीर में, जो एक तरफ जम्मू और कश्मीर के बीच में जो बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी उसको दूर करना चाहता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर में पीडीपी, तो अब ये दोनों पार्टियां अगर मिलकर ठीक से काम करेंगी, हमारा प्रयोग ये चाहता है जो जिस दिशा में किया गया है, जिस दृष्टि से किया गया है कि ये अलगाव पहले वहां समाप्त हो और ये लगे कि भाई नहीं, मिलकर यहां रहा जा सकता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जा सकता है, तो एक नया वातावरण वहां सृजन होगा। अहिल्या पत्थर बनी, सैकड़ों लोगों ने उस पर पांव रखा मगर जीवन नहीं आया। रामचंद्र जी सैकड़ों पत्थरों पर निकल गए, उनमें जीवन नहीं आया, लेकिन जब रामचंद्र जी का पांव अहिल्या पर पड़ा तभी जीवन आया। तो एक संयोग होता है परिस्थिति का, उसका निर्माण करना पड़ता है और जब वो होता है तब चीज प्रस्फुटित होती है। सबसे पुराने सहयोग हैं शिवसेना, उनके साथ ठीक नहीं चलता है, नरम गरम क्यों चलता रहता है? देखिए शिवसेना तो वो हमारे के साथ लव हेट रिलेशनशिप है, उसको छोड़िए, वो तो हमारे बिल्कुल हमारे साथ है, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं पर जब बाला साहब थे तब तो आप लोग का बड़ा इस तरह की बयानबाजी और सामने में इस तरह के लेख नहीं आते थे इतने ज्यादा। अब देखिए उनका भी एक नजरिया है, तो उन्हें भी अपना कोई स्थान बनाए रखना है तो वो करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ केंद्र में भी है और वहां मुंबई में भी है। अब कोई कहता है कि वहां वो वैसे अकेले लड़ना चाहते हैं, वो करना, ये प्रयोग तो होते ही है, कई जगह हम हमारे साथी होते हैं लेकिन हम अकेले लड़ जाते हैं, वो ऐसी बातों से मैं समझता हूं ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा पर वक्त कुछ दिनों पहले एक बार कहा था कि सबकी नीतियां बोलते कुछ हैं, नीतियां बदलनी, तो ये इशारा किसकी तरफ था? क्या अपनी पार्टी की तरफ था? क्योंकि वो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं हुई कि आपका इशारा सीधे अपने एनडीए सरकार पर था या किसके लिए था। देखिए वो एक जनरल बात थी कि आजकल की राजनीति में क्या हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की जीवन पर पुस्तक का विमोचन था जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। राज के खातिर नीतियों को छोड़ना ये ठीक नहीं होता, ये बात बहुत कस के लोग कहते थे, यही बात मार्क्सिस्ट कहते थे,
यही बात कांग्रेसी कहते थे, यही बात समाजवादी कहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है कि जब मौके आते हैं तो लोग जिन नीतियों का गुणगान करते रहते हैं समय आने पर उनको भूलने लगते हैं। तो ये इस उस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई थी और ये लगभग सभी पार्टियों के लिए कही तो थी या एक जनरल का कमेंट था। उत्तर प्रदेश में अभी तक तो कोई फेस नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि कोई फेस होना चाहिए? काफी लोगों का नाम चल रहा है, वरुण गांधी, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और तमाम, कोई एक चेहरा सामने लेके आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अच्छा, आप दिल्ली में तो हमने फेस रखा था, वहां भी तो हार गए। नहीं वो तो मैंने कहा और बाद में रखा, कभी भी रखा पर रखा तो था, स्ट्रेटेजी गलत हो गई, ये कहा जाए। देखिए ये इस सब पर निर्णय संसदीय अधिकरण करता है, उसके पास जब फीडबैक जिस प्रकार के पहुंचते हैं उसके आधार पर वो निर्णय लेता है, कौन सा चेहरा कारगर होगा और कब होगा उसका फैसला तो संसदीय अधिकरण करेगा। फिर फैसला फेस को रख के भी हो सकता है, फेस को नहीं रख के भी हो सकता है, उद्देश्य जीतने का है। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने का है और उसके लिए जो उपयोगी चीजें होंगी वो संसदीय अधिकरण फैसला करेगा और आपको पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव जो है लिटमस टेस्ट होगा एनडीए सरकार का, और 2019 की दिशा भी तय करेगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई राज्य का चुनाव दो साल बाद आने वाली किसी चीज को नियंत्रित करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं और यहां तक कि हम पार्लियामेंट के चुनाव में जीते हैं और तुरंत अगले चुनाव में हार गए। तो ये तो जो राष्ट्रीय चुनाव होता है उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे पिछड़े प्रदेशों में से एक है। हमारी इच्छा ये है, हमारी नीति ये है कि इस प्रदेश में डेवलपमेंट ओरिएंटेड चुनाव लड़ा जाए, ये कास्ट और संप्रदाय इसको पीछे हटा करके प्रदेश के विकास की बात की जाए, क्योंकि 20 करोड़ भारतवासी अगर पिछड़े रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मार्गदर्शक मंडल में आप हैं, आडवाणी जी हैं, सब लोग हैं, राष्ट्रपति चुनाव में आपको लगता है कि आप लोगों में से कोई एक या आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? मैं तो मार्गदर्शक मंडल में कोई ऐसी कभी चर्चा होती है न होने की कोई गुंजाइश और न होनी चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण अधिकार है संसदीय अधिकरण का। और क्या परिस्थिति होती है, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो उसको देखते हुए ये निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ना चाहिए, वो जैसा फैसला करेंगे उसके मुताबिक पार्टी आगे बढ़ेगी। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।